पैरों के नहीं आ रहा, पैंट सरक चुका है इसका अंदर अंदर। सो गाइज वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। और आज काफ़ी समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं और बहुत समय के बाद आज मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। और इस वक्त मैं हूँ बनारस सिटी रेलवे स्टेशन के पास। से तीन दिन के लिए हम बनारस विजिट करेंगे, विंध्याचल विजिट करेंगे और काफ़ी सारा प्लेसेस विजिट करने वाले हैं। देख सकते हैं मेरे पीछे बनारस सिटी रेलवे स्टेशन है। और जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं यहाँ पे और शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। बाबा की नगरी है ये और सावन का महीना चल रहा है, सिटी में काफ़ी रश है और ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी सिटी से बाहर निकल करके लखनिया दार वाटरफॉल सबसे पहला डेस्टिनेशन जो है हमारा। सो इसी गाड़ी में आज अपना जर्नी हम करने वाले हैं। और देख सकते हैं आज से हमारा तीन दिन का बंजारे वाला लाइफ शुरू। ये हमारे भाई साहब ड्राइवर नीतीश कुमार ड्राइवर ड्राइवरी करेंगे आज। और ये हैं मनप्रीत सिंह खलासी। खाली जैसे चटा रहे जो उठा रहे जो आ जाए उठा ले। तो नहाएंगे मस्त वहाँ जाएंगे यहीं पर। Yes. तो जा रहे हैं राजधारी वाटरफॉल और हम हैं यहाँ के गाइड और ड्राइवर एज वेल। ड्राइवर के साथ साथ थोड़ा बहुत दोस्त भी है। और ये आ गया है ब्रेकर जिसके बाद हमको ब्रेक लगाना पड़ा। क्या मजा आया देख। फोकस भी नहीं हो रहा। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं देवदरी वाटरफॉल्स और देवदरी वाटरफॉल्स ऑन द वे। बहुत खूबसूरत रोड से हमने देखा और अभी देवदरी वाटरफॉल्स आपको दिखाते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। हालांकि धूप बहुत ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी बहुत हाई है बट काफ़ी अच्छा प्लेस है। ये है देवदरी जलप्रपात देवदरी वाटरफॉल्स। और यहाँ पे आने के लिए 50 रुपये पर हेड हमने पे किया, 50 रुपये पर हेड। और कार का 100 रुपये अंदर जाने का, अंदर ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर है और पार्किंग के 50 रुपये अलग से। तो 50 रुपये पर हेड, गाड़ी का 100 रुपये और पार्किंग का 50 रुपये। और दिखाते हैं आपको फॉल्स, देखिए। ये एक वॉच टावर बना हुआ है, वॉच टावर फॉल्स देखने के लिए। ओ माय गॉड टुरुला आए थे यहाँ पर राजदरी घूमने के लिए, पर यहाँ पर आके पता चला कि देवदरी भी है। तो राजदरी में केवल आपको नहाने का मिलेगा और देवदरी काइंड ऑफ वाटरफॉल्स है जो आप दूर से देख सकते हैं। देवदरी और राजदरी दो चीज़ें हैं यहाँ पर। और ये मिर्ज़ापुर से अप्रॉक्सीमेट 16-17 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और बनारस से हम लोग चूँकि स्टार्ट किए हैं अपना जर्नी तो वहाँ से ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर के अराउंड पर है ये प्लेस। तुम लोग सो गाइस अब हम जा रहे हैं नहाने के लिए। राज दरबार का पानी, ये हमारी भाभी जी और ये भैया जी। ब्लॉगर की हो चुके हैं शादी, भैया के हैं एक भाभी मतलब हमारी भाभी। और हम हैं राज दरबार के वाटरफॉल में। आप खूबसूरत नज़ारा यहाँ देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और हमारे कुछ दोस्त वहाँ पे हैं। हाँ। हमें बहाने में बहुत समय लगेगा। सूर से पानी निकाली अपना ये भाई साहब का पैंट सरक रहा है तो इसलिए बैठे बैठे गुलाठी मार के आ रहा, खड़ा हो के नहीं आ रहा, पैंट सरक चुका है इसका अंदर अंदर।
और यहाँ पर नहा के बहुत मज़ा आया, लेकिन यहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा गर्म था, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा गर्म था पानी। यहाँ पर पहाड़ों में पानी ठंडी आती पर पता नहीं, यहाँ पर पानी काफ़ी गर्म था और यही पानी आगे जा कर के फॉल्स में तब्दील हो जाती है। अब हम लोग राजदरी फॉल्स में नहा करके रेडी होकर के अब हमने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि नाम है विंध्याचल। और विंध्याचल में हम बहुत सारे टेम्पल्स कवर करने वाले हैं आज के आज, सो स्टे ट्यून विथ अस। झाड़िए भाई साहब, झाड़िए बाल, झाड़िए। अबे तुम ये कहीं नहीं जाता भाई, काम 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 करता है, बहुत मस्त जी दिया था। मुनार जब हम लोग जा रहे थे भाई, गाड़ी चला रहे थे हम लोग, क्या भाई 100 का स्पीड, जैसे पहले था तो आफ्टर हैविंग ए हैवी डिनर नाउ हम लोग नाइट राइड करेंगे मिर्ज़ापुर से बनारस के लिए, और ये ऑलमोस्ट 1.5 आवर का होने वाला है नाइट राइड। सो दिखाते हैं यहाँ का नाइट वाइल राइडिंग, लेट्स सी। सो हाय गाइस, दिस इज मिस्टर नीतीश कुमार, जो अभी हम लोग जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट और फिर वहां से मणिकर्णिका घाट, 80 घाट वहां पे हम लोग देखेंगे गंगा आरती, और गंगा आरती देखने के बाद हम लोग जाएंगे संकट मोचन हनुमान मंदिर। सो लेट्स सी हाउ इज इट। कहां जाएंगे अभी हम? बनारस घूमेंगे, आम खाएंगे, नागा बाबा के साथ सेल्फी लेंगे। हम सोच रहे हैं कि कौन मोहल्ले के लड़के यही कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कौन मजाक किए हैं, और हम भाई भाई करके चिल्ला रहे हैं। वो हमारा एक बार प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, माता अन्नपूर्णा की जय। गोविंद जाएंगे बोट में, बोट में। सो अभी जो हम लोग घाट पर हैं वो है 80 घाट, 80 घाट से हम लोग जाएंगे दशाश्वमेध घाट, और दशाश्वमेध घाट से बैक टू 80 घाट। सो ये बोट राइड होने वाला है, और ये बोट राइड टोटल 50 रुपीज़ पर हेड के हिसाब से लेगा। आइए ध्यान किधर है ना, इधर आपका आइए। तो गाइस अब मैं आपको ब्रीफ करूंगा कि कौन सा घाट है और कैसा जा रहे हैं। बोल देखिए वो सामने में जो घाट है, जो आग जल रहा है, वो मणिकर्णिका घाट है, और वो मणिकर्णिका घाट में यहाँ पर डेड बॉडीज जलती है, अंतिम संस्कार होता है लोगों का यहाँ पे। सो यहाँ पर क्या होता है कि रेगुलर कहा जाता है कि यहाँ पर 24x7 आग जलती ही रहती है, इस टाइप की आग नहीं, कम से कम धुआं उठता है, अगर कोई बॉडीज नहीं रहेंगी धुआं उठते रहेगा। तो ऐसा कहा जाता है कि मणिकर्णिका घाट पर कभी आग शांत नहीं होती है, हमेशा आग जलती ही रहती है। बहुत सारे कांवड़िया लोग यहाँ पर आए हुए हैं सावन के महीने में भगवा वस्त्र धारण करके,
तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ से देखने में। और इस टाइप का होता है कि मतलब गूस बम्प आने लगेगा आपको और बहुत सुंदर लगता है। इसके बगल में देख पाएंगे आप, ये है काशी विश्वनाथ टेंपल। काशी विश्वनाथ टेंपल मतलब कॉरिडोर अभी जो नया बना है और बहुत ही मशहूर है और बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट यहाँ पर अभी इतने बेहतरीन तरीके से बना दिया गया है ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कि बहुत अच्छा बना है। ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये मुंशी घाट है, मुंशी घाट और उसके बगल में दरभंगा घाट। सो दरभंगा घाट भी यहाँ पर सीढ़ी वगैरह काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है। सो नदी के बीच में से शहर को इस तरीके से देखना जगमगाते हुए रोशनी के बीच में बहुत ही सुंदर नज़ारा लगता है। और यहाँ पर कल मंडे है, तो कल मंडे को सावन का पहला सोमवार है, तो पूरा बनारस काइंड ऑफ बंद रहने वाला है। बहुत सारी बैरिकेडिंग वगैरह हमने आने टाइम में देखा, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर बंद रहता है मोस्ट ऑफ़ द दुकान्स। और यहाँ और ये है दशोमेध घाट। सो दशोमेध घाट यहाँ से गंगा आरती यहाँ की बहुत बेस्ट होती है। कहा जाता है कि भोपाल उज्जैन और बनारस में मतलब बहुत विशाल आरती होती है, उसमें से दशोमेध घाट टॉप पे आरती है। नहीं यहीं पे बैठिए हरे रंग में। सो हमारी बोट राइड कंप्लीट हो चुकी है, अब हम लोग बैक टू अपने होटल।